बिहार में पुलिस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। मामला दरभंगा से जुड़ा है, जहां विभाग में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही विभाग के अधिकारी और दरभंगा के आईजी दफ्तर में तैनात एक पुलिस अधिकारी शुभकरण ओझा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने ओझा पर आरोप लगाते हुए आईजी अजिताभ कुमार को लिखित शिकायत भी दी है। महिला ने अपने लिखित शिकायत में कहा है कि उनके दफ्तर में तैनात पुलिस अधिकारी शुभकरण ओझा ने उनके बदन और प्राइवेट पार्ट को गलत नियत से छूने जैसी हरकत की है। महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि वो सरकारी कामकाज निपटारे के लिए आईजी दफ्तर जाया करती थी, तभी दोनों में जान पहचान हुई। एक निजी काम कराने के बदले शुभकरण ओझा उनके करीब आए। इस दौरान आरोपी फोन पर अश्लील बातें और अश्लील मैसेज करने लगा। अपने बड़े अधिकारी की बात समझ महिला पुलिसकर्मी बहुत कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब शुभकरण ने शारीरिक संबंध बनाने पर जोर दिया तब उन्होंने इसकी लिखित शिकायत सीधे दरभंगा के आईजी से की। पीड़िता ने शिकायत के साथ ही अश्लील मैसेज और अश्लील बातों का ऑडियो भी सबूत के तौर पर दिया है। आपको बता दें कि इधर पूरे मामले पर दरभंगा के एसएसपी बाबू राम ने कहा कि दो शिकायतें उन्हें महिला सिपाही की तरफ से मिली हैं, जिसमें एक सिपाही पर पैसे के लेन देन करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। दूसरे में एक पुलिस अधिकारी पर अश्लील हरकत करने और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया गया है। दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता की सुरक्षा की जिम्मेवारी दरभंगा के डीएसपी को दी गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच आंतरिक परिवार समिति से कराई जा रही है, ताकि महिला किसी दबाव के बिना अपनी पूरी बात रख सके। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।